मैं हरिम प्रताप सिंह, आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश राइटिंग स्किल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू राइट एन आर्टिकल, कि एक आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। हमने इसकी व्याख्या करने के लिए एक टॉपिक ले लिया है, इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स इन इंडिया, भारत में नदियों का महत्व। हम इस पर आर्टिकल लिखेंगे, हम देखेंगे कि किस इस पर आर्टिकल कैसे लिखा जाता है। वैसे परीक्षा में तो आर्टिकल किसी भी विषय पर दे सकता है। तो ये जो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स इन इंडिया, इस पर हम आर्टिकल लिखने से पहले हम लोग थोड़ी आर्टिकल के बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। देखिए, जो आर्टिकल राइटिंग होती है इसकी टाइप्स 3 प्रकार की होती है। इसके 3 प्रकार होते हैं, पहला है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा है आर्गुमेंटेटिव और तीसरा है ऑटोबायोग्राफिकल। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या करते हैं कि हम किसी चीज़ का वर्णन करते हैं, और आर्गुमेंटेटिव में हम आर्गुमेंट के थ्रू किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, अपने तर्क रखते हुए किसी चीज़ पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। और ऑटोबायोग्राफिकल में, जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति अपने जीवन के बारे में उससे संबंधित अपने किसी अनुभवों या विचारों को प्रकट करता है और अंततः एक निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास करता है। देखिए, कुछ और बातें हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल राइटिंग जो है एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम किसी विषय वस्तु के बारे में अपने विचारों को एक इंटरेस्टिंग मैनर में लिखकर उस विषय वस्तु की जानकारी प्रदान करते हैं। आप किसी भी विषय पर आर्टिकल लिख सकते हैं, और आर्टिकल लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आर्टिकल की भाषा ऐसी हो कि उस आर्टिकल को जो एक बार पढ़ना आरंभ करे तो उसे अंत तक पढ़े, और साथ ही आर्टिकल से संबंधित सभी सवालों की पूर्ति भी हो जानी चाहिए। तो आइए हम लोग बिना समय गवाए जो है शुरू करते हैं। ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स इन इंडिया, भारत में नदियों का महत्व। तो इस टॉपिक पर हम लोग आर्टिकल देखते हैं कि कैसे लिखा गया है, उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, ये पूरा आर्टिकल आपके सामने है, चूँकि मैंने इसको जूम इन किया है। अभी जब समझाऊंगा तो उसको जूम आउट करके समझाऊंगा ताकि सारे पूरा एक एक लाइन आपको समझ में आ जाए। ये पूरा आर्टिकल है, तो आइए हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उस आर्टिकल का शीर्षक लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं जिस पर हमें आर्टिकल लिखना होता है। सबसे पहले उसको ऊपर लिखते हैं, उसके बाद हम आर्टिकल लिखना प्रारंभ करते हैं। चूंकि इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे की तरह इसको जो है हेडिंग वाइज डिवाइड करके उसको लिखें, ऐसा कोई नहीं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आप लिख भी सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे जनरली आर्टिकल को ऐसे ही लिखा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं कि भारत में नदियों का क्या महत्व है। देखा रहा है कि रिवर्स आर द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। जो रिवर्स होती हैं, जो नदियां हैं, वो भारत की क्या है, वो भारत की लाइफ लाइन है। अर्थात जो रिवर्स हैं वो भारत की जीवन रेखा हैं। प्लेइंग अ क्रशियल रोल इन द कंट्रीज सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल एंड इकोलॉजिकल बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या कह रहा है, रिवर्स क्या है, हमारे देश की लाइफ लाइन है, अर्थात हमारे देश की जीवन रेखा है। कह रहा है प्लेइंग ए क्रशियल रोल, ये एक क्रशियल रोल अदा करती है, अर्थात यह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, कह रहा है इन द कंट्री सोशियो इकोनॉमिक, कह रहा है देश की सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक, आर्थिक, कल्चरल, सांस्कृतिक एंड इकोलॉजिकल और पारिस्थितिकीय बेसिक स्ट्रक्चर, आधारित संरचना की। इसमें कह रहा है कि नदियां जो है हमारे देश की क्या है, जीवन रेखा है, जो कि एक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकीय, कह रहा है कि आधारित संरचना के निर्माण में क्या करती हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती हैं या एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि दे आर मोर देन मेयर वाटर बॉडीज। इसमें कह रहा है कि वे वाटर बॉडी से कह रहा है मोर देन, कहीं ज़्यादा बढ़कर है, मतलब उनका महत्व जो है कि वाटर बॉडी से कहीं ज़्यादा है, मतलब केवल एक जल क्षेत्र ही नहीं है, इससे कहीं बढ़कर है ये। दे आर द आर्टरीज, कह रहा है वे कैसी हैं, वे आर्टरीज के समान है, मतलब धमनियों के समान है। जैसे हमारी बॉडी में धमनियाँ होती हैं, उसमें रक्त का संचालन होता है, कह रहा है ये आर्टरी के समान है।
दैट सस्टेन लाइफ अक्रॉस द नेशन, जो पूरे राष्ट्र में क्या करती हैं, लाइफ को सस्टेन करती है, अर्थात जीवन को बनाए रखती हैं। ये शरीर में पाई जाने वाली धमनियों के समान हैं जो जो देश में जीवन को बनाए रखती हैं, अर्थात हमारे जीवन के लिए हमारे देश में जो नदियाँ हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, कहना ये जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि रिवर्स इन इंडिया आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन, एंश्योरिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि रिवर्स इन इंडिया, भारत में जो नदियाँ हैं, कह रहा है प्राइमरी सोर्स वो प्राथमिक सोर्स हैं, प्राथमिक स्रोत हैं किसका, ऑफ वाटर, पानी का। भारत की जो नदियाँ हैं पानी का प्राथमिक सोर्स हैं किसके लिए, कह रहा है फॉर इरीगेशन, सिंचाई के लिए। एंश्योरिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, कह रहा है कि और कृषि की उत्पादकता को सुरक्षित रखने के लिए। एंड फूड सिक्योरिटी, और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, ये क्या है, ये प्राथमिक सोर्स हैं पानी का। अब टोटल मिला के इस तरह कह सकते हैं कि भारत की जो नदियां हैं वह जो है भारत में सिंचाई, जो कृषि उत्पादन है और जो खाद्य सुरक्षा है उसको सुनिश्चितता प्रदान करने के लिए ये पानी का प्राथमिक स्रोत है। नेक्स्ट कह रहा है कि मिलियंस ऑफ फार्मर्स, कह रहा है कि लाखों फार्मर्स, लाखों किसान डिपेंड ऑन रिवर वाटर। वो किस पर निर्भर रहते हैं, वो नदी के पानी पर डिपेंड रहते हैं। लाखों किसान जो है वो नदी के पानी पर निर्भर रहते हैं टू कल्टिवेट क्रॉप्स, फसल उगाने के लिए, एंड सस्टेन देयर लाइवलीहुड, और अपनी जीविका कमाने के लिए। नेक्स्ट क्या कर रहा है, हिस्टोरिकली मतलब ऐतिहासिक रूप से, रिवर्स हैव सर्व्ड एज मेजर ट्रांसपोर्टेशन रूट्स। कह रहा है कि नदियों ने हमको कैसी सर्विस दी है, कह रहे मेजर ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, कह रहे मुख्य यातायात के मार्गों को उपलब्ध कराया है। कह रहा है ऐतिहासिक रूप से भी नदियों ने कैसी सेवा की है, नदियों ने जो है यातायात के मार्गों के रूप में सेवा की है। उसका कहने का मतलब यह है कि ऐतिहासिक रूप से भी देखा जाए तो यातायात के लिए नदियों का उपयोग किया जाता था। फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, फैसिलिटेट मतलब था सुविधा प्रदान करना, जो ट्रेड और कॉमर्स के लिए, जो व्यापार और वाणिज्य के लिए सुविधाएं प्रदान करती थी। ऐतिहासिक रूप से भी देखा जाए तो जो नदियां हैं वो लोगों को यात्रा के लिए, कहीं आने जाने के लिए मार्ग के रूप में प्रयोग करते थे, और व्यापार और वाणिज्य को भी उन नदी मार्गों के द्वारा वो संचालित करते थे, व्यापार और वाणिज्य भी होते थे। आगे कह रहा है कि इवेंट टुडे, आज भी रिवर्स लाइक द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर वाइटल फॉर इनलैंड नेविगेशन, कनेक्टिंग रिमोट एरियाज एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। जब फिर से इस लाइन को देखते हैं, कह रहा है कि इवेंट टुडे, आज भी रिवर्स लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, कह रहा है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ आर वाइटल, कह रहा है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, कह रहा है फॉर इनलैंड नेविगेशन, किसके लिए, अंतर्देशी नौ संचालन के लिए। कनेक्टिंग रिमोट एरियाज, और जो रिमोट एरिया हैं, जो दूर दूर के क्षेत्र हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, अर्थात जोड़ने के लिए। एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, और आर्थिक विकास को प्रमोट करने के लिए, अर्थात आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि रिवर्स होल्ड इमेंस कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस इन इंडिया। कह रहा है कि भारत में जो रिवर्स होती हैं वो कह रहा है कि इमेंस कल्चरल एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, वह इमेंस मतलब अत्यधिक कल्चरल, सांस्कृतिक एंड स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक महत्व रखती हैं। भारत में जो नदियां हैं वो अत्यधिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखती हैं। यदि आप देखेंगे तो भारत में नदियों का अत्यधिक महत्व है, पुराणों में भी उनको स्थान दिया गया है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, ये नदियां जो हैं एक पवित्र नदियों की भांति मानी जाती हैं, और बहुत सारे हमारे आध्यात्मिक कार्यों में जो है इन नदियों के पानी का यूज होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि दे आर कंसिडर्ड सेक्रेट, कह रहा है इन्हें सेक्रेट माना जाता है, सेक्रेट मतलब पवित्र, इन्हें पवित्र समझा जाता है। एंड वर्शिप एज डेटीज, और इनकी वर्शिप पूजा की जाती है, किसके समान, डेटीज, देवी देवताओं के समान, इन्हें पवित्र समझा जाता है और देवी देवताओं के समान इनकी पूजा की जाती है। दे आल्सो फॉस्टर अ डीप कनेक्शन टू नेचर,
एंड सर्व एज पिलग्रिमेज साइट्स, कह रहा है कि दे ऑल्सो फोस्टरेज डीप कनेक्शन, वो एक गहरा संबंध स्थापित करती हैं किससे, टू नेचर, प्रकृति से, नदियाँ जो है प्रकृति से एक गहरा संबंध स्थापित करती हैं, एंड सर्व एज पिलग्रिमेज साइट, और तीर्थ स्थान के रूप में ये अपनी सेवाएँ देती हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि तीर्थ स्थान के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। ये लास्ट पैरा है, पैरा पर ध्यान देते रहिएगा कि आपको बीच बीच में पैरा चेंज करना है, और जब आप पैरा चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे दो है, यहाँ पर देखिए एक पैरा ये है और नीचे ये है, तो पहली लाइन थोड़ा सा शुरू से नहीं लिखेंगे, छोड़ करके थोड़ा इधर से लिखेंगे, फिर उसके नेक्स्ट लाइन को जो है फिर कंटिन्यू करेंगे, इस बात को ख्याल रखना है आपको। नेक्स्ट कह रहा है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स इन इंडिया इज इमेंस, इमेंस माने काफ़ी या अत्यधिक होता है, कह रहा है कि भारत में जो नदियों का महत्व है वो काफ़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा है। दे प्रोवाइड इसेंशियल रिजोर्सेस, कह रहा है वे जो है इसेंशियल रिजोर्सेस प्रोवाइड करती हैं, अर्थात इसेंशियल रिजोर्स मतलब आवश्यक संसाधन, और प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, ये नदियाँ जो होती हैं आवश्यक संसाधन प्रदान करती हैं। ड्राइव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उनको ड्राइव करती है, अर्थात ये आर्थिक गतिविधियों को संचालित करती है। एंड होल्ड डीप कल्चर एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, और यह जो है एक डीप गहरी कल्चरल सांस्कृतिक एंड वैल्यूअल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू और आध्यात्मिक मूल्य को धारण की हुई है। ये नदियाँ जो हैं एक गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य को धारण किए हुए हैं। इट इज़ इम्परेटिव दैट वी प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दीज इनवैल्यूएबल वाटरवेज फॉर द वेल बींग ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, कह रहा है कि इट इज़ इम्परेटिव मतलब इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज़रूरी है कि ये प्रोटेक्ट, हम सुरक्षा करें एंड कह रहा है कि वी प्रोटेक्ट एंड कंजर्व, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना, कंजर्व मतलब संरक्षित करना, कह रहा है कि हम सुरक्षा करें और संरक्षित करें दीज, कह रहा है इन वैल्यूएबल वाटरवेज, इन अमूल्य जल मार्गों का, फॉर द वेल बींग ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, किसके लिए, कह रहा है कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की भलाई के लिए, यहाँ वेल बींग मतलब भलाई या कल्याण, इसमें कह रहा है कि इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि भविष्य और वर्तमान की पीढ़ियों भविष्य वर्तमान की पीढ़ियों की भलाई के लिए ये जो जलमार्ग हैं, हम इन जलमार्गों को सुरक्षित और संरक्षित रखें। तो ये रहा एक आर्टिकल इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स इन इंडिया, इस पर ये आर्टिकल रहा, और आपको आइडिया आया हुआ कि कैसे लिखना है। देखिए जब भी आप पैरा को चेंज करेंगे तो आपको ख्याल रखना है कि थोड़ा सा लाइन छोड़ करके इधर हट करके लिखना है, राइट साइड में थोड़ा हट जाना है। देखिए यहाँ पर हर जगह पैरा चेंज है, देखिए यहाँ भी चेंज है और यहाँ पर भी चेंज है, यहाँ से स्टार्ट है तो पहली लाइन को इधर लिखेंगे, फिर दूसरी लाइन फिर कंटिन्यू होगी, फिर जब पैरा चेंज होगा तो एक लाइन छोड़ के इधर राइट साइड में लिखेंगे थोड़ा छोड़ करके, फिर नेक्स्ट जो है बाकी लाइनें कंटिन्यू रहेंगी, उसी तरह नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर भी है, फिर बाकी लाइनें कंटिन्यू है, फिर यहाँ पर देखिए थोड़ा छोड़ के लिखा है फिर कंटिन्यू है, उसी तरह नीचे भी किया गया है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो स्टूडेंट मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये जो आर्टिकल है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रदान किया है, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, और यदि इस विषय पर आगे आता है तो आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक और मैंने जो है अपने एक व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, व्हाट्सअप चैनल पर मैंने जितने भी मेरे महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट हैं जो आपके काम की हैं, उनके लिंक को मैंने वहाँ पर डाल दिया है, एच पी क्लासेस के नाम से मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जो है एच पी क्लासेस से वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, तो वहाँ पर आपको जितने भी ग्रामर के हैं, जितने भी बुक के हैं, सारे लिंक जो हैं सभी प्लेलिस्ट के आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा व्हाट्सअप का, आप वहाँ से पहुँच सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू।